हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? हाँ, देवराज इंद्र आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। कृपया तुरंत स्वर्गलोक चले देव ऋषि। क्यों 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 चलूं मैं स्वर्गलोक? क्या मैं आपके देवराज इंद्र का सेवक हूँ? मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूँ। नारायण नारायण, जब इच्छा होगी जहां जाना होगा जाऊंगा, नहीं तो नहीं भी जाऊंगा। रुष्ट ना हो देव ऋषि, हम तो आपसे विनती कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ स्वर्गलोक नहीं चलेंगे तो देवराज हमसे रुष्ट हो जाएंगे। ओ उत्तम, अति उत्तम। देवराज इंद्र आपसे रुष्ट ना हो इसलिए मैं स्वयं अपने को रुष्ट कर लूं। अति उत्तम। आप तीनों की समस्या का बोझ मैं अपने सिर पर भला क्यों उठाऊं? वैसे भी तो आप किसी के कहे बिना सारे जगत की समस्याओं का बोझ अपने सर पर उठाते ही हैं। कहा ना, मैं जो भी करता हूं अपनी इच्छा से करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि देवराज इंद्र मुझे क्यों बुला रहे हैं। वे लक्ष्मी नारायण के जलंधर भवन जाने से चिंतित हैं, जानता हूं। और वे ये चाहते हैं कि मैं उन्हें वहां से लौटा लाऊं, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। आप और असमर्थ? तारकासुर भयंकर असुर था ना? अत्यंत भयंकर। और जलंधर? जलंधर उसके पश्चात उत्पन्न होने के पश्चात भी भयंकरता में उस तारकासुर के पिता का भी पिता है। कौन जाएगा वहां? और मैं? नारायण नारायण। शिव 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 शिव। नारद। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद नारद। भोलेनाथ आज्ञा करे। भोलेनाथ, जगत में असुर राज जलंधर की उपस्थिति जगत के लिए हितकर नहीं है, इसीलिए उसके विनाश के लिए शक्ति स्वरूपणी पार्वती के क्रोध को तुम्हें जगाना होगा, जागृत करना होगा। यह कार्य करने में केवल तुम ही समर्थ वे योग्य हो, इसीलिए जलंधर के पास जाकर अपनी चतुराई का उपयोग करो। चतुराई का उपयोग? तुम्हारा कल्याण हो। भोलेनाथ, चतुराई का उपयोग? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 देवी, आपका यह आगमन शिव कृपा का ही परिणाम है। मेरे पति और आपके भाई ने व्यर्थी देवगण से युद्ध किया। पृथ्वी का इतना बड़ा साम्राज्य का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ज्ञानी और बुद्धिमान अधिकार के विषय में नहीं, कर्तव्य और आचरण के प्रति सजग रहते हैं। तुम्हारे पति और मेरे भाई महाबली जलंधर ने इन सबसे परे अपने पराक्रम से साम्राज्य प्राप्त किया है। केवल पराक्रम ही नहीं देवी, मेरे पतिव्रत धर्म
और सतीत ने भी महाबली के समृद्धि में योगदान दिया है। ये तो महाबली और मेरे लिए गर्व का विषय है। हाँ, स्वयं भगवान शिव ने मुझे दृढ़ विश्वास दिलाया है कि तुम्हारा सतीत सदा तुम्हारे पति की रक्षा करता रहेगा। तुम्हारे शुद्ध आचरण और उच्च विचारों के कारण ही भगवान शिव ने तुम्हें ये वरदान स्वरूप विश्वास दिया है। ओम नमः शिवाय। वृंदा, तुमने हमारी आज्ञा और अपने वचन का पालन नहीं किया। लक्ष्मी और विष्णु अब तक महल में हमारे अतिथि बने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं स्वामी, नहीं, वे हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कदापि नहीं कर सकते। वे तो हमारे संबंधी और शुभचिंतक हैं। संबंधी, शुभचिंतक, इसलिए तुमने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अब तक उन दोनों को महल से विदा नहीं किया। क्या संबंधी ऐसे होते हैं? मेरे प्राण हर लेने के उद्दत अपने पति विष्णु को रोक नहीं सकती थी मेरी बहन लक्ष्मी। क्या बहन ऐसी होती है? ये जानते हुए कि मैं उसके पत्नी का भाई हूँ, विष्णु ने मुझ पर प्राण तक प्रहार किए। क्या बहनों ही ऐसे होते हैं? वो सर्व देवों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है। तो क्या हुआ? देवता हमारे शत्रु हैं, शत्रु। ऐसे निर्दय स्वार्थी मेरे संबंधी और शुभचिंतक नहीं हो सकते, कदापि नहीं। कुछ भी हो, उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ जलंधर, अब हमने भी निर्णय ले लिया है, हमें यहाँ से चले जाना है। किंतु इस प्रकार हमें अपमानित करके भेजने का दुष्परिणाम तुझे भोगना ही होगा। अब निश्चय ही जान कि तेरा सर्वनाश समीप है। तू स्वयं हमें यहाँ आग्रह पूर्वक लाया था, किंतु अपमानित करके चले जाने पर बाध्य कर रहा है। ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले जीवन में कभी स्थिर नहीं होते, और तू भी नहीं होगा। अब यहां से चलें स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। अतिथि अपमान महापाप है स्वामी। अतिथियों का अपमान करके आप महापाप की भागी हो गए हैं। अब इसके दुष्परिणाम से आपकी रक्षा कौन करेगा? महारानी वृंदा, बलवान और पराक्रमी कभी कोई दुष्परिणाम नहीं भोगता और अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं समर्थ रहता है। गुरुवर, जगत का कोई भी बलवान और पराक्रमी प्रकृति के नियम और विधि के विधान से अधिक बलवान नहीं होता। नीति विरुद्ध कार्य करने पर परिणाम की छत के नीचे सभी को आना पड़ता है। वृंदा, विधि के इस विधान को तुम अपने आंचल से बांध के रखो, कहीं ये उड़ ना जाए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं महाबली जलंधर, बहुत प्रसन्न हूं। तुमने दांत के नीचे आया कंकड़ निकाल कर फेंक दिया। अब तुम स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करो महाबली। स्वामी, स्वर्ग पर आक्रमण करना अनिष्टकारी होगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें। अपनी बुद्धि से अथवा तुम्हारी बुद्धि से? वृंदा, तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी सीमा में रहो। हे भोलेनाथ, पति की आज्ञा मानूं अथवा अतिथियों का सम्मान करूं? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ ने मुझे कैसे कार्य पर नियुक्त कर दिया है? माता पार्वती के मन में क्रोधाग्नि जगानी होगी, वो भी चतुराई से। कैसे होगी और कौन सी चतुराई से? माता पार्वती की क्रोधाग्नि उत्पन्न होकर कहीं मुझे और मेरी चतुराई को लील गई तो? नहीं नहीं, मैं अपनी चतुराई का प्रयोग अपने से कम चतुर प्राणियों पर करता हूं,
अधिक चतुर प्राणियों पर नहीं, परंतु भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा कोई कार्य सौंपेंगे नहीं जिसमें मेरा अहित हो। नारायण नारायण। जय जय लक्ष्मी नारायण। किंतु प्रभु, आप दोनों तो महाबली जलंधर के अतिथि थे, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? लौट नहीं आए, लौटा दिए गए हैं। बहन के घर से भाई लौटता है, किंतु भाई के घर से बहन लौट आई गई, ये सुनकर दुख हुआ। अर्थात तामसिकता विकसित हो रही है। हाँ नारद, ऐसा ही है। जलंधर ने हम दोनों का घोर अपमान किया है, उसका सर्वनाश निश्चित है। हाँ माता, पूज्य आदरणीय और सत्पुरुषों का अपमान करने वाला मृत्यु से पूर्व मृत्यु द्वारा ही अपमानित होता है, और इतना अपमानित होता है कि मृत्यु से पूर्व उसकी मृत्यु भी हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है उसका। माता, आप ही के उद्गार मैं अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूं। वैसे आप दोनों को यहां देखकर मैं अति प्रसन्न हूं, कारण कि आपके दर्शन से मेरी समस्या का समाधान हो गया। वो कैसे नारद? वो ऐसे भगवान, भगवान भोलेनाथ ने मुझे कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया है। आप दोनों के दर्शन से पूर्व मैं द्विधा में था कि वो कार्य पूर्ण होगा कैसे, परंतु आप दोनों के दर्शन के पश्चात द्विधा मिट गई, अर्थात अब वो कार्य मैं निश्चिंत होकर पूर्ण कर सकूंगा। और अब मुझे भगवान भोलेनाथ के आदेश का अर्थ भी समझ में आ गया है श्री हरि। कैसा आदेश, कैसा कार्य, कौन सी द्विविधा, कुछ तो स्पष्ट कहो नारद। माता, इस जगत में मन और वाणी स्पष्ट रहें और शेष सभी कुछ अस्पष्ट रहें, तो भी जगत के सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे। नारद, तुमने फिर से शब्दों का भ्रमजाल बुनना आरंभ कर दिया। मैं तुमसे पूछ क्या रही हूँ और तुम उत्तर क्या दे रहे हो? माता, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ये कार्य श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारद, कुछ बताए बिना ही अदृश्य हो गए। वैकुंठ चलो, वहां तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। महाबली जलंधर की जय। महाबली जलंधर की जय। महाबली जलंधर की जय। असुर अधिनायक महाबली जलंधर की जय। सम्राटों के सम्राट महाबली जलंधर की जय। सेनापति आज्ञा करें महाबली। सेना तैयार करो, हम तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। नारायण नारायण। तो महाबली जलंधर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या हम स्वर्ग विजय नहीं कर सकते? नारायण नारायण। महाबली, आपका प्रश्न तो अत्यंत सरल है, किंतु मेरा प्रश्न आश्चर्य में डूबा हुआ है कि अब तक आपने स्वर्ग पर विजय की क्यों नहीं? गुरु ने आज्ञा ही विलंब से दी नारद। गुरु? ये गुरु कौन है? तुम हमारे गुरु को नहीं जानते? गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य। तो महाबली, आप उन्हें आदर और सम्मान से गुरुदेव क्यों नहीं कहते? नहीं, ये देव देवी देवता ना तो देखने में हमारे आंख को भले लगते हैं, ना ही बोलने में हमारे मुंह को भाते हैं। ये देव देवी देवता का उच्चारण ही हमें अस्वस्थ बना देता है। नारायण नारायण। फिर भी महाबली, गुरु का उचित सम्मान तो आवश्यक ही है। आप गुरुवर तो बोल ही सकते हैं। वर 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 तो और भी अधिक विपदाकारी है नारद। नारायण नारायण, इसमें विपदा कैसी? वर में ई प्रवेश कर गया तो? ई ई ये ई क्या हुआ महाबली? वही
वही मानव और देवताओं वाला ही जो ईश्वर कहलाता है। शव में यदि यही प्रवेश कर जाए तो शिव बन जाता है, वर में घुसकर वीर बन गया तो गुरु वर से वीर बन जाएंगे। और एक स्थान पर दो वीर कैसे रह सकते हैं? हाँ, वीर जलंधर तो गुरु वीर शुक्राचार्य को अपने मार्ग से हटा ही देगा। हाँ नारद, अकारण ही गुरु के प्राण मेरे हाथों से जाएं, उससे तो उचित यही होगा ना कि मैं केवल गुरु कहकर काम चलाऊं। आ हा 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 हा, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। महाबली जलंधर, आप केवल महाबली ही नहीं महाज्ञानी भी है। धरती आपको पाकर धन्य हो गई है। हाँ, स्वर्ग और आकाश भी हमें पाकर धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, धन्य हो जाए।